लगातार डीलिंग हो रही है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली, डीएसपी टाउन राम नरेश को, और डीएसपी टाउन ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व में मुठुत फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य दो व्यक्ति हैं जो कि हथियार के रखने के आरोप में पूर्व में भी जेल गए हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ग्लॉक पिस्टल के साथ तीन आर्म्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार से आभूषण दुकानदार नरेंद्र कुमार उर्फ मनीष कुमार के घर से हुई है। मौके से सकरा थाना के केशोपुर के मंगल उर्फ गोलू और पियर सिमरा के कुंदन कुमार को दबोचा गया है। इनके पास से एक ग्लैमर पिस्टल, 33 गोलियां, 3.5 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सब आर्म्स खरीद बिक्री की डील करते थे। इसी दौरान एसएसपी जयंतकांत को गुप्त सूचना मिली। उन्होंने टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान, टाउन इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। आभूषण दुकानदार नरेंद्र के घर पर रेड कर तीनों को मौके से दबोच लिया गया। एसएसपी ने बताया कि ग्लॉक पिस्टल एक अत्यधिक हाई क्वालिटी का 9mm पिस्टल है जो सिर्फ एटीएस, एसटीएफ और आईपीएस अफसरों और सुरक्षा एजेंसी को सप्लाई की जाती है। यह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। तस्करों से पूछताछ में पता लगा कि उन पिस्टल पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे। इसके ब्रैल पर भी जो नंबर है, पुलिस ने उसका सत्यापन शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को लगातार इस मामले में सूचना मिल रही थी कि मुजफ्फरपुर में हथियारों के जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनकी लगातार डीलिंग हो रही है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली, डीएसपी टाउन राम नरेश को सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कुछ उन्नत किस्म के हथियार हैं जिनकी डीलिंग करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई एसएचओ टाउन और उनके साथ की टीम के सदस्यों ने और डीएसपी टाउन ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 33 कारतूस, 3.5 लाख रुपये बरामद किए गए। और जब गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम मंगलम उर्फ गोलू बताया जाता है, ये पूर्व में मुठुत फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य दो व्यक्ति हैं जो कि हथियार के रखने के आरोप में पूर्व में भी जेल गए हैं। इस प्रकार पुलिस को उन्नत किस्म के हथियारों के संबंध में एक बड़ी सूचना मिली जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। कहाँ से रहने वाले हैं ये लोग और कहाँ से गिरफ्तारी? ये टाउन थाना से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो मंगलम उर्फ गोलू है ये सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो अन्य दो व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति कुंदन कुमार गायघाट का और नरेश उर्फ मनीष जो कि टाउन के एरिया में ही रहता है, सरैयागंज टावर के पास में, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इन में से किसी का आपराधिक इतिहास है? इसमें तीनों लोगों का आपराधिक इतिहास है। मंगलम उर्फ गोलू जो है वो पूर्व में समस्तीपुर में और तमिलनाडु में मुठुत फाइनेंस की लूट में पहले जेल जा चुका है और अभी एक महीने पहले ये जेल से तमिलनाडु से छूटा है। ये सर पिस्टल कहाँ से लाया था, पूछताछ में क्या? इसके अलावा जो नरेश उर्फ मनीष है ये भी आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल जा चुका है और कुंदन भी गायघाट से जेल जा चुका है। क्या इनका तत्काल में कोई प्लान था क्या कुछ बड़ा? इन लोगों से जो अभी पूछताछ जारी है और जो अभी तक इन लोगों ने बताया है कि ये लोग टाउन के एरिया में जमीन का और पैसे का जो लेन देन है उस मामले में दबिश बनाने के लिए इन हथियारों का उपयोग करते हैं और इनका आगे का लिंक जो है वो निकाला जा रहा है। हथियार कहाँ से उनके पास? जो अभी तक हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है उससे जो चीज़ें निकल के आई हैं, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और ये ग्रुप जो कि बंगाल से ऑपरेट करता है वहाँ से लोगों ने जो अभी तक के जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इनसे मिली है उससे पता लगा है कि ये वहाँ से हथियार लाए हैं और जो हथियार के ऊपर बैरल नंबर है उसके अनुसार भी जो है उसका भी आगे के उसके ओरिजिन के बारे में पता लगाया जा रहा है।